और अब दिन भर की बड़ी खबरें देखेंगे दिव्यांगजनों के लिए हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। मुंबई में समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की लड़ाई अब फड़नवीस तक आ गई है। जुबानी जंग हुई, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए और ड्रग्स की लड़ाई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन तक पहुंच गई। विवाद शुरू किया एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने। नवाब मलिक ने आज दो तस्वीरें शेयर की, जिसमें से एक तस्वीर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस ड्रग पेडलर जयदीप राणा के साथ दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में खुद देवेंद्र फड़नवीस जयदीप राणा के साथ दिख रहे हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के संबंध ड्रग पेडलर जयदीप राणा से हैं। उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस जी से भी हैं कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। देवेंद्र फडणवीस ने सभी आरोपों को हास्यपद बताया और कहा कि उनका किसी ड्रग पेडलर से कोई संबंध नहीं, साथ फोटो होने से संबंध नहीं हो जाता। हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण रिवर मार्च, ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली आकर वानखेड़े राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे और आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से मुलाकात की। उन्हें अपने प्रमाण पत्र दिखाए। समीर वानखेड़े के प्रमाण पत्र देखकर विजय सांपला ने कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उनसे ये क्लियर है कि समीर वानखेड़े SC कैटेगरी से ही है, वो महार जाति से है, कागजातों पर कोई शंका नहीं हो रही। इससे पहले समीर वानखेड़े ने कल मुंबई में SC आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से भी मुलाकात की थी। आज यूपी के मुरादाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कल देश के बंटवारे के सूत्रधार जिन्ना की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एकता के सूत्रधार सरदार पटेल और पहले प्रधानमंत्री नेहरू से की थी। इस पर आज योगी ने बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश के बयान को शर्मनाक बताया है। योगी ने कहा कि अखिलेश की मानसिकता बांटने वाली रही है, उनकी मानसिकता तालिबानी है और इस बयान के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। तो उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।